मेरा नाम डॉक्टर विनीता शर्मा है। विनीता जी, किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर धरना चल रहा है, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी कुछ मांगे हैं, एक तो ये है कि हम बहुत दिनों से, कई बार हम लोगों ने बहुत संघर्ष किए हैं NHM संघ के अंतर्गत, लेकिन हर बार के संघर्ष का परिणाम इस तरह का नहीं जैसा कि अपेक्षित होना चाहिए, और कई वर्षों से हम लोग संविदा पर कार्य कर रहे हैं। तो हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे कि हम जो कार्य कर रहे हैं समान कार्य समान वेतन लागू होना चाहिए, जैसे जो हमारी एफिशिएंसी है, जो हमारी योग्यता है, उसके अनुसार हमें, हम कार्य करते हैं तो उस योग्यता के अनुसार हमें उतना ही वेतन भी मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, जो जैसे हमारे घर परिवार होता है, CL सबको मिलती है, EL मिलती, मेडिकल लीव मिलती, तो ऐसे हमको भी वैसी मेडिकल लीव चाहिए, हमें वैसी CCL चाहिए, हमें वैसी छुट्टियां भी चाहिए होती हैं, तो सब, क्योंकि घर सबका होता है। और कोरोना काल में हमने ये सब साबित किया कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और हम सब ने अपनी जान की बाजी लगाकर कार्य किया है। दूसरी बात यह है कि हम सब, हमारी पूरी फैमिली भी कोविड पॉजिटिव हुई, हम लोगों को भी एडमिट होना पड़ता है, तो जब हम कहीं प्राइवेट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो खर्चे तो उतने ही होते हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि मेरी सारी जो सिस्टर्स हैं, आशा बहन हैं, ANM हैं, उनके बारे में भी सरकार सोचे। मेरे के अंदर आज स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, स्वास्थ्य सेवा इमरजेंसी सर्विस।